हेलो दोस्तों, टेक्नोवार में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस इलेवन के बारे में। दोस्तों, 56,000 की रेंज में ये स्मार्टफोन अपने साथ क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आता है और क्या 56,000 रुपये देकर हमें ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं टेक्नोवार। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले से। हमें इसमें मिलेगी 6.7 इंच की एक 2K सुपर फ्लूइड एमोलेड कर्व डिस्प्ले, जहां पर ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। और इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 8 प्लस जेन 2 प्रोसेसर। इसके अलावा 8GB और 16GB की LPDDR5X रैम और साथ ही में 128 और 256GB UFS 4.0 की स्टोरेज। कैमरे की बात कर लेते हैं तो हमें इसमें मिलेगा रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहां पर जो मेन कैमरा होगा वो होगा 50 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और साथ ही में 32 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलेगा 2x ऑप्टिकल जूम के साथ। कैमरे की बात करें तो हमें इसमें मिलेगा पंचोल स्टाइल में 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा। इसके साथ इसी डिस्प्ले के नीचे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी हमें मिलेगा। बैटरी की बात करें तो हमें इसमें मिलेगी 5000 mAh की एक बड़ी और पावरफुल बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए 100W आउटपुट वाला एक फास्ट चार्जर, जो कि आपकी इसी बैटरी को 20 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो दोस्तों, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बाद अगर आप चाहते हैं इस डिवाइस को लेना तो आप बेझिझक इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।